व्यूअर्स, वेलकम टू सलवाज डिशेस। कैसे हैं आप लोग? दुआ करती हूँ कि आप लोग सब सेहतमंद और खुश रहें। तो आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं, जो रेसिपी है हमारी, वो है नारियल के लड्डू। जिसके लिए देखिए, ये मैंने नारियल लिया है, बिल्कुल फ्रेश नारियल है ये। ये 3 मीडियम साइज़ के मैंने ये नारियल लिए हैं। आप इसको कद्दूकश कर लीजिए या फिर हम इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। और ये है 200 ग्राम्स गुड़, ये 3 टेबल स्पून घी है, और ये है इलायची पाउडर। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं नारियल को। तो देखिए, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है नारियल। आप चाहे तो इसे कद्दूकश कर ले सकते हैं। इस तरीके से आपको ये नारियल ग्रेट करना है। ये बर्तन मैंने स्टोव पे रख लिया है। देखिए, हम इसमें डालेंगे गुड़। पहले हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे। ये बर्तन में मैंने गुड़ ले लिया है, इसमें 1 कप पानी मैंने डाल दिया है। ये चाशनी को हम अच्छी तरह पकाएंगे। जो नारियल हमने ग्राइंड कर लिया है उसको हम घी में भून लेंगे। ये 3 टेबल स्पून घी है। अब हम इसमें नारियल डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से हमें नारियल को भून लेना है घी में। थोड़ा सा हमें इसे ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है। हमारा जो नारियल है वो अच्छी तरह से ऑयल में भून चुका है। अब इस पॉइंट पे हमें स्टोव ऑफ कर देना है। ये हमारी गुड़ की जो चाशनी है वो रेडी हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। देखिए, ऐसे हम इसे अब ऑफ कर देंगे स्टोव को। अब हम इस नारियल में गुड़ की चाशनी ऐड करेंगे और इसे हम छान लेंगे छन्नी से, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कचरा होता है गुड़ में। ये ऐसे हमको नारियल में डाल देना है और लगातार आपको चम्मच चलाते हुए इसे पकाना है। देखिए, ऐसे आपको पकाना है लगातार। आप मीडियम फ्लेम पे रख के इसे अच्छे से पकाएंगे। हमारे जो हमारा जो नारियल था उसमें जो हमारी गुड़ की चाशनी थी वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो चुकी है, और हम इसे 5 मिनट्स पकाएंगे अच्छे से। अब हम इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो काजू बादाम भी इसमें क्रश करके डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनते हैं। सर्दियों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है। ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे स्टोव बंद करके। ये हमारे लड्डू का बैटर तैयार हो गया है बहुत अच्छे से। ये जो है इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। थोड़ा जब ये ठंडा होने लगेगा तो हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये हमारे नारियल के लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं। ये मीडियम साइज़ के मैंने बना लिए हैं, आप भी इसे ज़रूर आजमाइए। ये आप 15 दिन तक कम से कम स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये लड्डू, आप ज़रूर इसे बनाइए और लुत्फ़ानंदोज़ होइए। अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह हम फिर एक नई डिश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।